अउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाई अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम रहमत से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम आपकी दुआओं से मैं भी खैर खैरियत से हूँ। आज मेरा अपॉइंटमेंट ऑपरेशन का गॉल ब्लाडर का, जिसमें से गॉल स्टोन्स की वजह से उसे रिमूव करवाना है, तो मैंने सोचा सुबह सुबह आपको भी आपकी दुआएं भी अपने अपॉइंटमेंट में और अपने साथ लेके चलूं। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं सुबह यूके के, यहाँ 6:20 के दरमियान टाइम है हुआ है, तो देखें यहाँ बारिश थोड़ी थोड़ी लगी हुई है, तो काफ़ी अभी अंधेरा है। अभी इसी एंड ऑफ दिस मंथ अक्टूबर में क्लॉक्स भी रिवाइंड होंगे, एक घंटा पीछे बैकवर्ड होंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके बाद भी जो बात हुई मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अपनी दुआओं में प्यारे बहन भाइयों याद रखिएगा, आज मेरा अपॉइंटमेंट है, अल्लाह साहब की खैर रखे। और यहाँ देखें अभी इतनी ट्रैफिक नहीं है, इक्का दुक्का ही रोड पे गाड़ी है, तो अभी थोड़ा अर्ली है, इसके बाद थोड़े और आधे घंटे बाद ये काफ़ी बिजी हो जाएगा। यहाँ हम लोग भी पहुँच आए हैं, ये प्राइवेट क्लिनिक है, तो यहाँ मैंने सोचा कि चलो रास्ते में थोड़ी सी आज मेरा अपॉइंटमेंट है, तो यहाँ आते ही इन लोगों ने मेरी अपनी मास्क जो घर से मैं पहन के आई थी वो दबा के यहाँ स्कैप करवा के, तो हैंड सैनिटाइजर को अपनी मास्क दी, वेटिंग एरिया में मुझे बैठने को बोला। दिस इज माय रूम been given this morning. It's nice and spacious. With a attached bathroom. Thing. It's very nice and clean. This is the outside view. It's too early, that's why you can't see anything much yet. Everything. This is room temperature thermometer. That's AC, and also gives hot air as well. 2-in-1. Everything here as well: sanitizer, paper towel. Mini wardrobe as well. Sorry.
drawer with the key. You can lock it, you can put your own stuff in and lock it. Now I'm trying to find out where the controller is so I can bring the bed down. वैसे तो ये रेडिएटर लगे हुए हैं सेंटर हीटिंग, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा चाहिए, गर्मी सर्दी लग रही हो तो वो ये भी ऑन कर सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी बाहर सुबह की रोशनी फैल रही है। यहाँ मैंने ये ढूंढा कि कैसे करते हैं। पता नहीं अब खाने होते कि नहीं। आखों नहीं एनीथिंग कर लिया। वो जो सारे सैंडविच थे वो कुछ भी नहीं खा सकी, तो अब ये फ्रूट ट्राई करने लगी। तो इसमें ऑरेंज है, कीवी है, एप्पल है, ग्रेप्स हैं। चौबीस घंटे के बाद ये थोड़ा कुछ खाने लगे। अब देखेंगे खा सकती हूँ कि नहीं। तो बहन भाइयों हम लोग घर आ चुके हैं और मेरा ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया था। अब रिकवरी के लिए दुआ करना प्लीज़। अल्लाह से तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी सबको दे और अपने हबीब के सदके मालिक मेरे पे भी रहम करे। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना ताकि नई आने वाली वीडियोस टाइम तक पे आप लोगों तक पहुँचे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह ने के बाद।